Hello students, good morning everyone. Students, today in this video I'm going to summarize chapter 11, Rise of Indian Nationalism. So this chapter is very important in sense of your further classes, okay? And it is very important to know that what is the history of our nationality. मतलब आप जो आप देखते हो यूनाइटेड नेशन हमारा यूनाइटेड इंडिया देखते हो, ठीक है, तो ये यूनाइट कैसे हुआ, what was the struggle, what was the national movement. So we learn all these topics in this chapter. So first of all students, what do you know about the nationalism? Nationalism होता क्या है? So first of all students, nationalism, it means the one identity, or we could say it's a collective identity. Collective identity. अब जैसे आपको पता है in our country many dynasties were ruled. Different regions में सब अलग अलग rule था सभी का, कोई एक single rule नहीं था, कोई एक collective identity नहीं थी. कोई राजपूत था, कोई पंजाबी था, अभी भी हैं, state wise different हैं, but our एक कलेक्टिव या सिंगल आइडेंटिटी नहीं थी भारतीय होने की, ठीक है, कोई इंडियन की एक आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है. सो इट वॉज ओकर्ड आफ्टर द स्ट्रगल, आफ्टर द नेशनल मूवमेंट. सो हाउ दिस स्ट्रगल वॉज डन, किस तरीके से हुआ, वो सब हम डिस्कस करेंगे. सो ऑल ओवर नेशनलिज्म मीन्स द वन आइडेंटिटी और द कलेक्टिव आइडेंटिटी, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन से रहने वाले, ठीक है, नेशनलिज्म एक सेंस होता है जिसमें वननेस की फीलिंग होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन से बिलोंग करने वाले लोग, जिसमें कुछ कल्चरल कुछ हिस्टोरिक एस्पिरेशन जिनकी सिमिलर हों, ठीक है, जो फॉरेन डोमिनेंस से इंडिपेंडेंट होना चाहते हों, ठीक है, वो होते हैं नेशनल और नेशनल फीलिंग्स और नेशनैलिटी, ठीक है. तो इंडिया अडॉप्टेड द नेशनैलिटी ऑफ इंडियन. तो हम देखते हैं कि उस इंडियननेस को अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल रहा, नेशनल मूवमेंट क्या रहा. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, दे ब्रॉट इंडिया अंडर यूनिफॉर्म लॉज. सो ब्रिटिश जो थे उन्होंने हमारे इंडिया में यूनिफाइड कोडिफाइड लॉज रखे. पहले क्या था, रीजन वाइज अलग अलग थे, बट उन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉज लाए. दे एस्टैब्लिश रेलवेज, टेलीग्राफ लाइंस, न्यू रोड्स, कैनल्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स. सो दे हैव एस्टैब्लिश ऑल दीज थिंग्स इन इंडिया. अपार्ट फ्रॉम इट, मेनी पीपल्स दे स्टार्टेड टू इवॉल्व, दे स्टार्टेड देयर इन्वॉल्वमेंट फॉर देयर फ्रीडम. ठीक है, जो एजुकेटेड लोग थे हमारे इंडिया के, उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया, अपनी वॉइस रेस करना शुरू किया. ठीक है, देन वी नीड अ पॉलिटिकल एसोसिएशन, वी नीड अ पर्टिकुलर सेंस, और वी नीड अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू हम एक साथ यूनाइट होकर अपनी वॉइस को रेस कर सकें. अगर सिंगल वन कोई अपनी वॉइस को रेस करता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इट मस्ट एक्सेप्टेड. तो हमारे इंडिया में सबको इंडिपेंडेंट के लिए ज़रूरी था कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो. ठीक है, तो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन नाइज हुआ. सो दिस ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन अवर प्रीवियस क्लासेस, एक ज़रूरत क्यों पड़ी पॉलिटिकल एसोसिएशन की. तो हमने देखा, देयर वर सम ब्रिटिश पॉलिसीज, देयर वर हार्श टुवर्ड्स द इंडियन. अब जैसे कुछ पीजेंट्स के लिए जो पॉलिसीज थी वो अच्छी नहीं थी, लैंडेड चीफ्स के लिए थी वो सही नहीं थी, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए सही नहीं थी. तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी many educated Indians, they grew dissatisfied with the British policies and attitudes. So अब ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जिससे सडनली हमारे जो एजुकेटेड पीपल्स थे उनमें चेंजेस आए. तो पहला था लॉर्ड लिटन पॉलिसी. लॉर्ड लिटन कौन थे? लॉर्ड लिटन ही वॉज द वाइसराय ड्यूरिंग द 1876 to 1880. ठीक है, 1876 से 1880 के बीच तक का जो वाइसराय रहे हमारे इंडिया के, वो थे लॉर्ड लिटन. ठीक है, लॉर्ड लिटन ने क्या किया, ही लोअर्ड द एज ऑफ अपीयरिंग इन द ICS एग्जामिनेशन फ्रॉम 21 to 18. ठीक है, 21 को हटाकर कितना किया गया, 18 किया. किसने किया? लॉर्ड लिटन ने किया. एंड इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इंटर इंडियंस इन दिस ICS एग्जामिनेशन. ठीक है, इस एग्जाम में अपीयर करना इंडियंस के लिए काफ़ी टफ हो गया, जस्ट बिकॉज दीज एग्जाम्स वर नॉट हेल्ड इन इंडिया, दीज आर हेल्ड इन इंग्लैंड. ठीक है, तो मोस्टली जो ऑफिसर्स थे वो इंग्लैंड के अपॉइंट होते थे, नॉट टू इंडिया.
और उनकी कुछ आर्म्स एक्ट थे, आर्म्स एक्ट मीन्स इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कैरी एनी टाइप ऑफ आर्म्स टू देम, ठीक है। तो इंडियंस के राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, दे वर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास। इसमें क्या था, नो इंडियन प्रेस वॉज फ्री टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है। तो इन सभी हार्श कंडीशंस को लेकर हमारे इंडिया में एक फीलिंग इवॉल्व हुई, कौन सी, फ्रीडम की, ठीक है। सो दिस रेस द ड्यूटीज ऑन इंडियंस टू बी फ्री। नेक्स्ट इज ईच अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन बने, सो अराउंड 1850s जो हमारे इंडिया के एजुकेटेड पीपल्स थे, दे हैड पार्टिसिपेटेड, दे हैड डिमांडेड टू बी पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो 1860s में दादा भाई नरोजी, ही हैज स्टार्टेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन शुरू किया, किसे शुरू किया, दादाभाई नरोजी ने। ही रोट अ बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, मतलब कि गरीबी और ब्रिटिश विरोधी शासन, मतलब ब्रिटिश का जहाँ पर रूल ना हो, वो एक बुक उन्होंने राइट की, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जिस तरीके से सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस किया जा रहा था, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू। आफ्टर दैट पूर्ण सार्वजनिक सभा वॉज लॉन्च, इसका मतलब होता है पूरी तरह से पब्लिक बेनिफिट हो, पब्लिक रूल हो। सो ही इस्टेब्लिश इट बाय 1870 बाय M.G. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले एंड दादाभाई नौरोजी, ठीक है। इन सभी ने मिलकर क्या स्टैब्लिश किया पूर्ण सार्वजनिक सभा इन द ईयर 1870। एंड यू नो दादाभाई नौरोजी, ही वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट वेन ही प्रमोटेड इंडियाज कॉज, ठीक है। दादाभाई नौरोजी हमारे इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन माने जाते हैं, क्योंकि उनको पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट आफ्टर दैट मैनी एसोसिएशन टुक प्लेस, लेकिन हमारे इंडिया में कुछ दूसरी पॉलिसीज भी रही जिन्होंने हार्श किया, मतलब जिन्होंने सप्रेस किया हमारे इंडियंस को। दूसरा था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल क्या था, सो इल्बर्ट पहले थे कौन, लॉर्ड रिपन, हु वॉज अ वायसराय ऑफ इंडिया, ही वॉज सक्सीडेड बाय लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड रिपन के बाद में कौन बना, लॉर्ड लिटन हमारे इंडिया के वायसराय बने। इन्होंने एक इल्बर्ट बिल इशू किया, इंट्रोड्यूस किया। इट वॉज अ बिल परमिटेड इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, मतलब क्या था कि जो हमारे इंडिया के लोकल डिस्ट्रिक्स थे, वहाँ पर जो कोर्ट्स थे, उनमें ब्रिटिश जजेस को रखा जाए, ठीक है। ये इल्बर्ट बिल उन्होंने नम्स किया। सो दे शोस द रेसियल अरोगेंस, यू नो स्ट्रॉन्गली अपोज किया, हमारे इंडिया के जो लोग थे उन्होंने अपोज किया इस बिल को, दैट वी डोंट एक्सेप्ट दैट ब्रिटिश वुड नॉट इंटरफेयर इन द जजमेंट टू। तो इंडियंस नाउ फाइनली फील द अर्जेंट नीड फॉर द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्रेजेंट देम। अब हमारे इंडियंस को जरूरत थी कि हमारे पूरे इंडिया को एक साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए। सो फाइनली द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आप देखते हो इस समय हमारे इंडिया की नेशनल पार्टी है, नेशनल कांग्रेस है, तो इसका बर्थ हुआ, जो एक पहला हमारे इंडिया का ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रहा, जिसने हमारे इंडिया की फीलिंग्स को फुली एक्सप्रेस किया, हमारी कंट्री को यूनाइट किया, ठीक है। तो हम देखते हैं हाउ देयर वाज अ बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस। सो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ही वॉज एन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ही इन्वाइटेड द एजुकेटेड इंडियंस टू फॉर्म द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल, एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाइनली द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड एट बॉम्बे ऑन 28 December 1885, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ, 28 December 1885 इन बॉम्बे, एंड इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द लीडर नोन एज एलन ऑक्टेवियन। तो यहाँ पर उन्होंने व्योमेशचंद बनर्जी की प्रेसिडेंटशिप में 72 डेलीगेट्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया। फाइनली कांग्रेस लेड द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। इस फ्रीडम मूवमेंट के चार फेज रहे, ठीक है, फ्रॉम द ईयर 1885 टू 1947,
चार फेजेस में डिवाइड रहा. पहला था मॉडरेट फेज फ्रॉम द ईयर 1885 टू 1905. सेकेंड वॉज द एक्सट्रीमिस्ट फेज फ्रॉम द ईयर 1905 टू 1918. देन द गांधीयन फेज, जब गांधी जी आए 1919 से हमारे इंडिया में स्ट्रगल, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसको आगे बढ़ाया. फाइनल फेज रहा 1939 से 1947, जब हमें फाइनली 1947 में फ्रीडम मिली. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट फेजेस. लेट अस सी द मॉडरेट फेज. मॉडरेट फेज, अमंग द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज, दे वर द लीडर्स लाइक दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जी सुब्रमण्य अय्यर, एम जी राणा दे, बदरुद्दीन तैयब जी, जी के गोखले, रोमेश चंद दत्त. तो ये जो कुछ लीडर्स थे ये मॉडरेट फेज के रहे. याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स दैट आपसे पूछा जा सकता है. नेम द मॉडरेट लीडर्स. ठीक है, तो ये मॉडरेट लीडर्स हैं. सो दे डिड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. इन उन लीडर्स ने सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में नहीं सोचा था, बट दे वॉन्टेड टू इंक्रीज अ पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस एंड द यूनिटी ऑफ द पीपल. लोगों में एकता चाहते थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन में कॉन्ट्रीब्यूशन चाहते थे, एंड द रीच आउट ऑफ द पीपल थ्रू पब्लिक स्पीचेज एंड थ्रू राइटिंग्स इन द न्यूज पेपर एंड द जर्नल्स. मतलब राइटिंग्स के थ्रू वो अपनी वॉइस को रेज करते थे, लोगों तक अपनी डिमांड्स को पहुँचाते थे. सो मॉडरेट फेज में सबसे पहले लोगों की क्या डिमांड थी, लीडर्स ने क्या डिमांड्स रखी. सो पहला मॉडरेट फेस, द लीडर्स ऑफ द मॉडरेट फेस, दे हैड गेव द डिमांड टू लोअर और टू रेज द एज ऑफ अपीयरिंग इन द आईसीएस एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो जिससे कि मोस्ट ऑफ हमारे इंडियंस गवर्नमेंट बॉडीज में जा सकें. उसके बाद दे फेल्ट दैट इट मस्ट रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम किया जाए, और ये कम तब हो सकता है when Indians will appear in the administrative post. Just because European carry the large salaries than Indians, Indians को सैलरी कम पे की जाती है, European servants को ज़्यादा पे की जाती है. तो अगर हमारे Indians ICS examinations में ज़्यादा होंगे, appear होंगे, उनको post अच्छी मिलेंगी, उनको सैलरी कम पे होगी और administrative cost कम आएगी. Second is they wanted to held the ICS examination not in England बट ऑल्सो जस्ट इन इंडिया. चाहते थे कि इंग्लैंड में आईसीएस एग्जामिनेशन होता है, वो इंग्लैंड की बजाय हमारे इंडिया में भी रखा जाए. एंड दे वॉन्टेड टू इंक्रीज द मैक्सिमम एज फॉर राइटिंग एग्जामिनेशन, एंड दे वॉन्टेड टू इम्पावर द इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन. दे वॉन्टेड टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू, जो हमारे लैंड टैक्सेस होते थे उनको कम कराना चाहते थे. कल्टीवेटर्स जो थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनको प्रोटेक्शन देना चाहते थे. सो दे रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द ग्रेटर एक्सपेंडिचर ऑन इरीगेशन, एजुकेशन एंड अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. दे वॉन्टेड टू विदड्रॉल द आर्म्स एक्ट. आर्म्स एक्ट जो पास किया गया था उसको हटाया जाए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया जाए. एट दैट टाइम जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव वॉज इंटरडिपेंडेंट, बट नाउ जुडिशरी इज इन फी फॉर्म, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. एंड ऑल्सो दे वॉन्टेड द बेटर कंडीशन फॉर द इंडियन लेबर्स. सो दीज वर सम डिमांड्स विच वर प्लेस बाय द मॉडरेट लीडर्स. अब मेथड क्या थी अपनी डिमांड्स को रखने की. सो मॉडरेट अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड लाइक पटिशन एंड द अपील्स. इन्होंने अपनी जो डिमांड्स थी पटिशन और अपील्स की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वे अडॉप्ट किया कि पूरा एक लीगल प्रोसीजर हो, अपनी डिमांड्स को अपील की जाए कोर्ट में और उनकी डिमांड्स को माना जाए. बट वॉट हैपन, वॉट वॉज द ब्रिटिश रिस्पॉन्स. ब्रिटिशर्स पास द इंडियन काउंसिल एक्ट इन द ईयर 1892, जिसमें उन्होंने जिस अंडर द प्रेशर ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के प्रेशर में आकर के कुछ गवर्नमेंट बॉडीज में इंडियंस को कोई पावर नहीं देगी, बट हमारे इंडियंस को कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट किया गया. ठीक है, कांग्रेस की हेल्प से, लेकिन हमारे इंडियंस को कोई पावर नहीं दी गई थी. बट व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉडरेट फेस, इस फेस का इम्पोर्टेंस क्या रहा. सो मॉडरेट गेन वेरी लिटिल पॉलिटिकल एडवांटेजेस फॉर इंडिया. हाउ वर देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉर्मली एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडिया. आफ्टर दैट हमारे इंडिया में एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बन गया कि जो भी डिमांड्स रखी जाएंगी वो कैसी होंगी. दे वुड बी
constitutional. Okay, so students, this is about the moderate phase and the extremic phase. I'll explain to you in another video. Till you all have to do the work and ask if there is any doubt regarding the INC, regarding the nationalism and the national movement. Okay.